ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है अब सबको ऐसे लगता होगा राइट। ट्रांसपोर्ट मीन्स अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो हम कुछ ना कुछ यूज करते हैं राइट। अगर आप स्कूल आते हो तब बस में आते हो, अगर आपको कहीं जाना होता है बाहर जाना होता है तो आप बाइक में जाते हो, कार में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं राइट। वी आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स, सबको क्या बोलते हैं हम व्हीकल्स बोलते हैं। व्हीकल्स मीन्स जो भी हम यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए राइट। नाउ सी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता आपको स्कूल आना है तब बस में जाते हो, फिर आपको बाहर जाना है फिर भी आप स्कूल बस में ही जाते हो, ऐसा नहीं होता ना। हम अलग अलग जगह पर जाने के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। अगर हमें रोड बाय रोड जाना है, रोड मीन्स रास्ता जिसके ऊपर आप बस चलाते हैं कार चलाते हैं, इट्स कॉल्ड लैंड, जमीन के ऊपर जो चलते हैं राइट। कोई कोई व्हीकल्स ऐसे होते हैं कि जो स्काई में चलते हैं, एयर में चलते हैं, ऊपर उड़ते हैं ना, आपने देखा होगा प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, एंड कोई कोई व्हीकल्स जो है वो पानी में चलते हैं, मोटर में चलते हैं। तो वी लर्न डिफरेंट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लेट्स डू सी टेक अवर सनशाइन बुक इन दैट पेज नंबर 25। ओके दिस पेज इज गिवन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वी विल सी वन बाय वन। सी द फर्स्ट वन, इट इज सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मूव ऑन लैंड, जमीन के ऊपर चलते हैं, हमने बताया ना। सी टू पिक्चर्स आर गिवन, वन इज बस और एक है ट्रेन। ट्रेन कहाँ पे चलती है? लैंड के ऊपर ही चलती है, बट ट्रेन कहीं पे भी नहीं चलती, उसके ट्रैक्स होते हैं, उसको बोलते हैं रेलवे ट्रैक्स, उसके ऊपर ही चलती है, यहाँ पे रोड के ऊपर नहीं चल सकती है ट्रेन। ओके सो और कौन कौन से व्हीकल्स जो लैंड के ऊपर हम चलाते हैं? कार, साइकिल, ट्रक, बस, स्कूटर, जीप, ट्रेन। ओके सो ऑल दीज आर लैंड ट्रांसपोर्टेशन जो जमीन के ऊपर चलते हैं। नाउ वी विल सी अनदर ट्रांसपोर्टेशन। ओके स्टूडेंट्स सी सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मूव इन वाटर, वाटर में चलते हैं, पानी के ऊपर चलते हैं। तो हम बस को पानी में चला सकते हैं? नो। सो कौन कौन से व्हीकल्स जो वाटर में चलते हैं? शिप राइट, आपने देखा होगा ऐसी शिप होती है। अगर आपको और कहीं जाना है बट आपको शिप में जाना है, बोट में जाना है, आप वाटर के थ्रू जाना चाहते हो तो आप कौन सा व्हीकल यूज करेंगे? शिप दिस इज बोट, छोटी होती उसको बोट बोलते हो, बहुत बड़ी होती उसको बोलते हैं शिप राइट। सो दिस टू आर व्हीकल्स विच मूव इन वाटर। और कौन से व्हीकल्स वाटर में चलते हैं? क्रूज होती है, बहुत बड़ी होती है राइट, स्टीमर होती है, स्पीड बोट, मोटर बोट, all these are water transportation. Now see next, some means of transport move in the air. Air में चलते हैं, ऊपर sky में हम देखते हैं right? So कौन कौन से vehicles देखे होंगे सबने? Aeroplane and helicopter. आपने देखा ना plane pass होता है कभी कभी, helicopter भी होते हैं, तो वहाँ कहाँ पे चलते हैं? Sky में ऊपर चलते हैं right? And one more is there, it is rocket. Rocket भी कहाँ पे उड़ता है? स्काई में जाता है राइट। सो ऑल दीज आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच मूव इन द एयर। आपको ये सब अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन याद रखने हैं कि कौन सा व्हीकल कहाँ पे मूव होता है। ओके स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू वन एक्सरसाइज। आप सबको पेज नंबर 26 निकालना है अपनी बुक में। ओके स्टूडेंट्स वी विल डू ऑन द प्रोजेक्ट। सी व्हाट वी हैव टू डू हियर, we have to match vehicles and उसके transportation के means को हम match करेंगे, कहाँ पे चलते हैं वो। okay see first one is given bus, so bus कहाँ पे चलती है? on the land, road के ऊपर, so match करके दिया है यहाँ पे। okay now see the next one, it is airplane। airplane कहाँ पे उड़ता है? sky में, air में, so where is sky? here, so you match airplane with this picture, to match करो सब अच्छे से। okay now see the next one, it is ship। okay तो ship कहाँ पे चलता है? water, where is water? here,
will match shape with water. Okay. Now next, it is train. Train का यहाँ पे move होती है on railway track. Okay. यहाँ train को हम tracks के साथ match करेंगे.